दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा। बीते सोमवार को कांगड़ा जनपद के कई हिस्सों में आए जल जले के चलते शाहपुर की वो बैली के रुलेहड़ में हुए दर्दनाक हादसे से बचकर उपचार करवा रही दो महिलाओं आरती रचना और विजय कुमार ने बताया कि वह खौफनाक मंजर जब उनके जहन में आ रहा है तो रूह कांप जाती है, लेकिन उनके हौसले ही थे कि वह घुटनों के बल बच्चों के साथ अपने को बचाते हुए दलदल से बाहर निकलने में सफल हो पाए। 29 वर्षीय आरती ने बताया कि उनके परिवार में कुल 9 सदस्य हैं और उस वक्त 6 लोग घर पर थे, जिनमें उनकी सास, आरती और 4 बच्चे थे। अचानक से मलबे के आने का एहसास हुआ, शोर सुनाई दिया, बाहर निकली, फिर अंदर गई और दो बच्चों को उठाकर बाहर निकलने की कोशिश की पर मलबे में फंस गई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आरती है। आरती जी, उम्र क्या है आपकी? मैं 29 साल। क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस घर में। घर में काम। घर में और कितने सदस्य हैं आपके? मेरे को छोड़ के 8 सदस्य हो रहे हैं। 8 सदस्य हो रहे हैं, मतलब एक 8-9 9 हो गए ना पूरे। 9 पुरानी टब्बर है आप लोग? हाँ जी। तो उस वक्त ये हादसा हुआ था, कितने लोग घर में मौजूद थे? 6 लोग। बाकी कहाँ थे सर? बाकी तो सड़कों में थे, ऊपर ही। यानी अलग अलग कहीं? अलग अलग थे हम सब। पति कहाँ थे? मेरे पति कुल्लू मनाली थे। अच्छा, वहाँ गए हुए थे। हाँ जी। और आप लोग घर में कौन कौन था उस वक्त? सर 4 बच्चे, एक और मैं, और मेरी सास। सास? हाँ जी। तो जब ये हादसा हुआ था, जब ये हुआ था उस वक्त जो है वो जब ये हादसा हुआ था तो उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? सर कुछ नहीं कर रहे थे, बस कमरे में बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अपने कामकाज में? हाँ जी, कुछ नहीं कर रहे थे, बस बच्चों को रखकर कमरे में बैठी थी मैं, बस उस वक्त ये हादसा हो गया। बस मलबा आपके घर पे पूरा पड़ गया, घर बचा हुआ कि नहीं? कुछ नहीं बचा है, शमशान घाट जैसा बन गया है, कुछ भी नहीं बचा है वहाँ। आप लोग कहाँ थे, किस तरह से निकले, कैसे, आप कौन सी स्थिति में थे फिर वहाँ? क्योंकि मलबे में तो हमने भी देखा कि पूरा तब्दील हो चुका था। किस स्थिति में थे हम? एक और आई औरत, उसने बोला कि हट जाओ पीछे, बोले आपका घर टूटता हुआ आ रहा, बोले पीछे हो जाओ। तो हम फिर बाहर निकले, जैसे कमरे से बाहर निकले तो मैंने देखा कि हाँ सच में मेरा घर टूट रहा है। मैंने अपने बच्चों को लिए साथ में और बाहर निकली। सर बरामदे में खड़ी थी ना, वहाँ से एक मलबा पड़ गया नीचे। अगर आप अंदर होते तो पूरी तरह से दब चुके थे। सासू माँ कहाँ थी उस वक्त? सर सासू माँ सड़क में थी, वो सड़क के पास से गेट था हमारा, उसमें खड़ी थी। यानी वो बाहर थे उस वक्त? सोए नहीं थे कमरे में? नहीं सोए, साए नहीं थे, भाग बाहर थे। और वो जब मक आया उसको धकेलते हुए नीचे ले आया? हाँ जी। उनको मौका ही नहीं मिला, मतलब सोचने का भी कुछ नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला उनको कि मैं भागूं कहीं या कमरे में जाऊं, कहीं भी जाऊं, उनको कुछ मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, कितने बच्चों को बचाया आपने, किस किस तरह से बचाया? सर बचाया, 2 बच्चों को मैंने अपने साथ लेके आई निकाल के, ठीक है, 2 मलबे में थे। फिर उस लड़की को मैंने अपनी भांजी को अपना मोबाइल दे के गई वहाँ। बच्चा किसी का भी फ़ोन आए, किसी का भी उठा लेना, काटना मत। तो उस बच्चे ने सभी फ़ोन उठा लिए, किसी का भी नहीं काटा। फ़ोन के जरिए तो उन बच्ची को ढूंढ पाए। अच्छा, फ़ोन के जरिए उन्हीं बच्चों ने फ़ोन किया फिर बाद में? हाँ, मेरे को नहीं किया उन्होंने, मैं अपना फ़ोन, वो दूसरे लोगों ने किया ना उनको फ़ोन। मलबे में फंस गए थे? फंस गए थे, वो बुरी तरह से फंस गए थे। बच्ची बोल रही थी मेरी भांजी, मामी मेरे को ले जाओ, मेरे को ले जाओ। मैं कैसे लेके जाऊँ, 2 बच्चे मैंने खुद लिए थे पहली, तीसरी कैसे लेके जानी थी मैंने। तो एक मेरी जो बेटी थी वो तो रो रही थी ना, उसको मेरा हाथ भी नहीं पहुँचा उसके पास। तो फिर मैंने दोनों बच्चों को निकाला अपने को, उसके बाद बाहर निकली, फिर मलबे में फंस गई मैं, दोनों टांगे, फिर छाती के बल, घुटनों के बल चली, तब मैंने अपने बच्चों को बचाया, ठीक है। उनको गाड़ी में बैठा के आई, फिर वापसी आई तो कहाँ आना था, फिर मलबा आ गया था ऊपर से। गाड़ी बंद थी, शीशा बंद था, सब कुछ, गाड़ी पूरी तरह से बंद थी। मैंने उसको तोड़ा, हाथ से तोड़ दिया शीशा, कितना जोर होगा मेरे पास, मतलब इतना हो गया था आपको जोश, इतना आ गया था जुनून, इतना हो गया था। कहीं भी चोट नहीं आई मेरे को हाथ में, कहीं भी चोट नहीं आई, ठीक है बिल्कुल। सर ये तोड़ा, सब कुछ किया मैंने, पत्थर हटाए, मलबा हटाया, कुछ नहीं हुआ मेरे को, ठीक हूँ मैं। एक बस पाँव में लगी और मुँह में लगी है, चोटें लगी हैं बस शरीर में, बस बाकी ठीक हूँ मैं। यानी कहीं ना कहीं हौसला रखा था, तब तो मैं बच्चों को निकाल पाई। हौसला नहीं तो मेरे पास, तो कैसे निकालती बच्चों को? एक उम्मीद दब जाना था, मैंने सभी ने दब जाना था, मर जाना था सबने। उम्मीद रखी थी मैंने कि नहीं, मैंने अपने बच्चे बाहर निकालने हैं तो निकालने ही है, बस ये सोच लिया था मैंने। उधर रचना ने बताया कि घटना के समय उनके साथ 2 बेटियां घर में थी, एक लेटी हुई थी और दूसरी ने फोन लिया हुआ था। बाहर शोर सुनाई दिया, बाहर गई, फिर अंदर बच्चों को बचाने आई तो मलबे ने पूरे घर को दबा दिया था।
क्या नाम है आपको? रचना। उम्र क्या है आपकी? 30 साल। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घर में। घर में ही होते हैं। जब ये घटना घटित हुई थी उस वक्त आप क्या कर रही थी और कौन कौन था घर में उस वक्त? उस वक्त दो बेटियां मेरी, एक सो रही थी, एक फोन देख रही थी अंदर, और मेरे हस्बैंड बाहर थे नाले में, पानी देख रहे थे, उसको बना रहे थे उसकी जगह। मैंने उसको बुलाने गई कि इधर आ जाओ, पानी आ रहा है ऊपर से जा रहा है। मैं देखने गई तो ऊपर से बादल फट गया, भाग के अंदर आए, अपने बच्चे को उठाने तो नहीं बचा सकी, वहीं दब गए हम। कितने घंटे आप अंदर ही रहे? 7-8 घंटे अंदर रहे। क्या जान कैसे बची, कैसे क्या? पता नहीं, भगवान की दया से जान बच गई। एक हमारा बच्चा था, उसने बचाई हमें, अभी तक रखी सुने। क्या नाम है उनका? वंशिका। जब वंशिका ने आप फोन किया था उनको, वंशिका बोली मम्मा मेरे सर को फोन करो, उनको बोलो कि हमें बचा लो। उनको फोन किया तो वो बेचारे आ गए थे बेचारे, बोले मेरे हाथ थे तो हम आज जिंदा नहीं होते। उधर 40 वर्षीय विजय कुमार ने बताया कि वह हाइड्रो प्रोजेक्ट में नौकरी करते हैं। हादसे के समय घर में ही थे, अचानक आए फ्लड के बाद बच्चों को निकालने अंदर गए और मलबे की चपेट में आ गए। आपका नाम? सर विजय कुमार। आपकी उम्र? 40 साल। क्या करते हैं? सर मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट लैंको में काम करता हूँ। लैंको में काम करते हैं? कहाँ करते हैं? यहीं करते हैं, बो में। सर बो में करते हैं। उस दिन आप ड्यूटी पे नहीं थे, वहीं पे रेस्ट थे सर, छुट्टी पे थे। छुट्टी पे आए उस दिन? तो ये जो घटना घटित हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे? घर के बाहर थे, घर के अंदर थे, क्या स्थिति थी? सर घर के बाहर था पहले, उसके बाद फिर जो मलबा आ गया ऊपर तो मैं अंदर की तरफ भागा बच्चे निकालने के लिए। बस मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था सर, बस घर के बरामदे तक पहुंचा था, फिर उसकी स्पीड में आ गया था। कितने घंटे आप वहीं पे रहे मलबे के अंदर? कम से कम 6 घंटे सर। 6 घंटे। किसने बचाया फिर आपको? सर स्थानीय लोग थे, लोकल लोग थे, स्थानीय लोग। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान टीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्लस टू मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60-60 सीट का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10+2 में 45% अंक और ST/ST विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही उन्हें बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि DDM में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि PG डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।